अगर बनना है टॉपर तो ये पांच काम जरूर करना। बोर्ड परीक्षा 2023 में यदि आप टॉपर बनना चाहता है तो इन पांच काम को कर लीजिएगा। अगर नहीं तो इस वीडियो को देखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन पांचों बातों को जो समझ लिया ना उसको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, वो बोर्ड परीक्षा 2023 का टॉपर बनेगा। सबसे पहली बात ये समझिए कि जो बच्चा टॉपर बनना चाहता है, जिनका सपना है टॉपर बनने का, वो सारे बच्चे कम से कम एग्जाम के एक महीने पहले 15 दिन पहले 10 साल पुराने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसको क्लियर कर ले। देखो 10 साल पुराने PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके पुराने हैं, मतलब 2023 में आप एग्जाम दे रहे हैं तो इसके पिछले वाला जितना भी 10 साल पुराना का पेपर है 2013 तक 2009 तक जहां तक पेपर मिल सके उनका रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि 50-70% क्वेश्चन सेम टू सेम आपके ऑब्जेक्टिव दुनवरिया पचनवरिया जिस टाइप से पूछता है सेम टू सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लड़ जाते हैं। दूसरी बात है इंटरनेट वाला मॉडल पेपर। देखो जब एग्जाम नजदीक होती है तो उसके 2-3 महीने पहले 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले जो होता है जो बोर्ड होता है वो बोर्ड क्या करता है मॉडल पेपर जारी करता है कि इसी टाइप से आपका एग्जाम में प्रश्न आएगा, क्योंकि वहां से भी सेम टू सेम लड़ जाते हैं। देखिएगा किसी अन्य प्रकाशन का नहीं, जो बोर्ड का जारी किया था इंटरनेट वाला मॉडल पेपर उसको लेकर लेना है, उसका रिविजन करना है, यानी इंटरनेट वाला जो मॉडल पेपर आता है उसका जबरदस्त रिविजन कर जाएंगे, क्योंकि यहां से भी 50-70% क्वेश्चन सेम लड़ते हैं। तीसरी बात है जो आप इंपॉर्टेंट प्रश्न जो छाटे हैं एग्जाम के लिए, क्योंकि भाई आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपना तैयारी किए होंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न छाटे होंगे, तो आप जो इंपॉर्टेंट प्रश्न छाटे हैं या आपका जो टीचर इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया है कि ये सारे प्रश्न लड़ सकते हैं तो उनका रिविजन जरूर कर लीजिएगा, उनको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, उनको बढ़िया से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन, क्योंकि सोचिए इंपॉर्टेंट छाटा गया तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके लड़ जाएंगे, यानी इन तीनों तरीके से आपके प्रश्न लड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और इन तीनों को अपना के तीनों तरीका को अपना के आप टॉपर बन सकते हैं। चौथी बात है राइटिंग। आप पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं, इन तीनों टाइप का तैयारी हो चुका है, राइटिंग सुंदर नहीं है तो बाबू आपका नंबर मिलने का चांस नहीं बनना, इसलिए कहूंगा राइटिंग सुंदर कर दीजिएगा, राइटिंग सुंदर लिखने का प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए आज और अभी से, एग्जाम में आपका राइटिंग आपका नंबर बढ़ाने का काम करेगा। अब पांचवी बात है राइटिंग स्पीड की तैयारी, अभी से राइटिंग स्पीड की तैयारी करिए, मतलब क्वेश्चन को लिखने की तैयारी करिए कि 5 मिनट के अंदर पचनवरिया क्वेश्चन को हल कर देंगे, 2 मिनट के अंदर में दुनवरिया प्रश्न को हल कर देंगे, हार्ड से हार्ड प्रश्न क्यों नहीं हो वहां पर 5-6 मिनट टाइम देना है, क्योंकि एग्जाम में एक प्रश्न पर 3-4-5 मिनट ही टाइम होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। अगर सोचिए आप एक प्रश्न को हल करने में आधे घंटे लगा देंगे, 20 मिनट लगा देंगे, 15 मिनट लगा देंगे तो आप सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे और आप टॉपर नहीं बन पाएंगे, इसलिए शुरू से ही लिखने का स्पीड अपना बनाकर चलिए। तो इन 5 कामों को अभी और आज और अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तब, नहीं बनना चाहते तो ख्याली पुलाव बनाते रहिए। देखिए हम लोग अपना थिंकिंग करके आपको सारी चीजें बता देते हैं ताकि आप इस माध्यम से चले तो आप टॉपर पढ़ सके बन सके, क्योंकि हम लोग का काम है मार्गदर्शक बनकर आपका मार्ग दिखा आपको मार्ग दिखाना टॉपर बनने का। तो इन 5 तरीके का तैयारी करना आज और अभी से शुरू कर दीजिए और देखिए भविष्य के टॉपर आप ही बनेंगे, और इस वीडियो को जितना हो सके सभी के पास आप शेयर कर दीजिए। जय हिंद।